अयोध्या में श्री राम लीला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सेक्टर 10 सड़क 33 सेंट्रल एवेन्यू में भी हम हिंदुस्तानी मंच, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ व अन्य समितियों के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाआरती के साथ भजन संध्या यहां आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा आतिशबाजी व महाभंडारा भी यहाँ पर किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियाँ। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभु श्री राम भगवान के भैया। आज ये आयोजन भव्य आयोजन है। श्री राम जी आज हमारे घर पे पधारे हैं। इतने सालों के बाद, 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद आज वो अयोध्या में विराजमान हुए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये समूचे भारतवर्ष के लिए और सनातनियों के लिए एक गर्व का और एक बहुत ही बड़ा पल है। इसके साक्षी हम बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी खुशी में आज यहाँ पे ये सेंट्रल एवेन्यू रोड पे स्ट्रीट 33A पे ये आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन में हमारे मंच के सब, हम हिंदुस्तानी मंच के सब मित्रों ने मिल करके इस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की। मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक हूँ, साथ में हम हिंदुस्तानी मंच का भी संयोजक संस्था। हम आयोजित करते हैं हमारा हम हिंदुस्तानी मंच, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे बीच मौजूद है, जो कारगिल की हमारे देखिए बहुत लंबे अंतराल के बाद शहीद है, जो जाबाज साथी है, जिन्होंने अपने प्राणों की बहुत लंबा संघर्ष किया, लगभग 490 वर्ष, लगभग 500 साल, उन सबका हम सम्मान करते हैं। और ना जाने इसके लिए कितने पीढ़ी ने त्याग और कुर्बान दिया है। जैसे कोठारी बंधु दो जवान भाई कार सेवक के रूप में शहीद हुए, ऐसे ना जाने कितनी पीढ़ी हमारी हिंदू समाज के लिए और इस वक्त के लिए अपने प्राण की आहुति दिया है। आज उसी का परिणाम है कि आज 22 तारीख को भगवान राम लला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। निसंदेह जिस तरह भगवान राम जब रावण का वध करके 14 साल बाद अयोध्या लौटे, उसी तरह आज पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है। आप देख रहे हैं पूरे गांव में त्यौहार है, हर मंदिर में भोग भंडारा चल रहा है। इतना उत्साह, यानी पूरा पूरा दिवाली की तरह हर हिंदू समाज आज मना रहा है। तो निसंदेह हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव और सनातनियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे समाज को?
इसमें हम लोग बस यही कहें कि हिंदू अपने हक और अधिकार को समझे और जो जज्बा आज है हजारों लोगों के प्राण की आहुति के बाद इसको बनाए रखे। हिंदू समाज के नौजवान साथी इस जज्बा को जिंदा रखे। ठीक है कि हम दूसरे धर्म का सम्मान करें, उसमें कहीं कोई आपत्ति, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए हिंदू समाज को लड़ना होगा। आज 22 जनवरी है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज भारत वासियों ने जो भगवान का रामलला का मूर्ति स्थापित करके आज दूसरी दिवाली मनाई गई है। मैं आज सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और सबको चरण स्पर्श करके ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हुआ कार्यक्रम हमारा देश में दिवाली का एक महापर्व सा माहौल हो गया है। किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश भिन्न भिन्न जातियों से के लोग रहते हैं, तो सब को सुख संपत्ति शांति भगवान राम की तरफ से भगवान राम प्रदान करे और हमारे देश में एक शांति और एक अच्छा माहौल रहे, सब खुश रहे, सुख खुशहाल रहे, हमारा देश आगे बढ़े। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़ मत। मैं सामदेव साहू, हर हर गंगे दुर्गोत्सव एवं जल सभी समिति का संरक्षक।